नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। तो साथियों, इन दिनों हम आप सबों के बीच नंबर सिस्टम के प्रश्न को लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने नंबर सिस्टम के प्रश्न को लेकर आए थे, जो पार्ट नंबर 8 था, और आज हम पार्ट नंबर 9 के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए आज शुरू करते हैं फिर से क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है 99 × 92 / 99। ये प्रश्न देखकर ही लोग घबरा जाते हैं। परीक्षा में अगर इस क्वेश्चन से सामना हो जाते हैं, अगर आप लोग को हल करने का तरीका नहीं मालूम होगा तो घबरा जाइएगा और छोड़ के चला जाएगा। कहिएगा कि ये प्रश्न बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इससे अच्छा है कि हम इसको छोड़ के निकल जाए। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को देख के छोड़ना नहीं है, निकलना नहीं है, अगला प्रश्न नहीं करना है। इसको भी आप इजी वे में एकदम 1 सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं। तो कैसे? तो कुछ नहीं करना है, इसमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ देखेंगे कि गुना में कितना है, तो 99 है, तो ये 99, और इधर बाहर में कितना है, 2×9 है, तो यहाँ 2×0 देंगे, और यहाँ दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो दोस्तों दोनों के बीच 7 का अंतर है। बस 7 घटा दीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये बच गया 9, ये 8 और 9 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। 1/7 + 999 / 62/63 × 9। अगर ऐसे मिल जाए कि यहाँ पर 9 से अगर कट के वही संख्या आए जो शुरू में मिले, तो इसे हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखते 9 से अगर इसको काटते 963/7 होता, यहाँ 7 दिख रहा है। तो पिछला प्रश्न में देखे थे कि बाहर में जितना 9 है उतना दे के अंदर में जितना 9 है उतना 0 लगा दीजिए, और 7 घटा दिए थे अगर 7 की कमी था तो। लेकिन ऐसे प्रश्न जो 7 पहले दिखेगा उसमें 7 घटाइएगा ना, बस इतना ही पर आंसर हो गया। इसमें 7 घटाना नहीं है, सिर्फ क्या किया हम, ये बाहर में 9 था 9 दिए, अंदर में कितना 9 है 3×, तो 3×0 दिए, आंसर आ गया। अगर ये नहीं रहता, 1/7 नहीं रहता, तो जितना की कमी रहता दोनों ऊपर और नीचे वाले डिजिट के बीच वो हम घटाते, लेकिन यहाँ 1/7 है तो हम इसमें से कुछ घटाएंगे नहीं। इस प्रकार आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली कड़ी में। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 99 × 5/9 और गुना में 9 है, तो पहला प्रश्न जैसे किए थे वैसे ही कीजिए इसको। बाहर में कितना 9 है, 1, तो 1×9। अंदर में कितना 9 है इधर पूर्णांक में, 2×, तो 2×0 देंगे, और दोनों ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाले डिजिट में कितना का अंतर है, तो 5, 4, 9, 4 का अंतर है, 4 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया 9, ये 8, यानी 896 मेरा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, 1 + 87654 × 87656 / 87655। इसका मान निकालना है, ये भी बड़ा डिजिट है तो डर गए होंगे देखकर कि गुना करने में समय लगेगा, तो कुछ भी समय नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं क्या, 87655 है, यहाँ 56 है, यहाँ 54 है, यानी अगर इसको हम x मान के चले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ये x-1 होगा, और ये क्या है, x+1 है, तो ये हो जाएगा 1 + x-1 × x+1 / x है 1+, यहाँ से देखा जाए तो a-b × a+b, एक फार्मूला होता है a+b × a-b बराबर a²-b², इसी को गुना में है तो इधर भी आ सकता है ये, तो यहाँ ये भी हो जाएगा x² - 1² तो 1/x, यहाँ से माइनस एक का प्लस एक्स, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा x² / x, ये एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, यानी x किसको माने थे, 87655, यानी आंसर होगा 87655 आंसर। इस प्रकार आसानी से हम बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न पांचवा बनाने से पहले इस प्रश्न जो चौथा हम बनाए उसको फिर से एक बार डिस्कस कर दें कि हम तो बताएं कि यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा एक कम अगर रहेगा तो इसको x माने, तो ये x-1 हुआ, x+1 हुआ, तो उसे वैसे हल करके बता दिए।
आपको हम इजी वे में इसको भी बता सकते हैं। वो इजी वे क्या है कि जब ऐसा रहे कि नीचे जितना रहे उस संख्या का इधर रहे, एक ज़्यादा एक कम, इस तरह से रहे, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला ही आंसर तो आया था, बस नीचे वाला आंसर मार दीजिएगा, यानी 87,655 आंसर होगा। आइए पाँचवा प्रश्न को देखते हैं, क्या कहा है। 3.35 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता ही होगा पी बटे क्यू के रूप में, क्योंकि बहुत ही VVI प्रश्न है। तो इसको भी हम आसानी से कैसे करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये 3.35 पर रेकरिंग है, यानी 3.5 बार बार आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.35 बराबर 3 प्लस इस पर रेकरिंग है, इस रेकरिंग को तोड़ेंगे ना तो 35/ और नीचे में उतना 9 पड़ेगा जितना जितने डिजिट पर रेकरिंग होते हैं। तो कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2 को 9 यहाँ दे देंगे और 3 प्लस 35/99 इसको हम लिख सकते हैं 3.35/99। कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसी पर आधारित और भी प्रश्न हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।